गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सीएम का ऐलान कर दिया है। गुजरात के मशहूर पत्रकार रहे ईशुदान गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के पिपलिया में जन्मे ईशुदान गढ़वी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जाम खंभालिया में पूरी की। कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2005 में गुजरात विद्यापीठ से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। इसके बाद दूरदर्शन से जुड़कर वहां पर एक शो करने लगे। इसके बाद ईशुदान ने पोरबंदर के एक स्थानीय चैनल में बतौर रिपोर्टर काम किया। 2015 में ईशुदान अहमदाबाद आए और एक प्रमुख गुजराती चैनल के एडिटर बन गए। जब ईशुदान इस चैनल के एडिटर बने तो उनकी उम्र महज 32 साल थी। ईशुदान ने महामंथन नाम से एक शो की शुरुआत की जिसमें वो एंकर की भूमिका में होते थे। इस शो में ईशुदान ने आम लोगों और किसानों पर फोकस करना शुरू कर दिया। पिछले साल जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में संगठन के विस्तार की कवायद शुरू की तो ईशुदान पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आ गए। ईशुदान गढ़वी ने जून 2021 की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह पत्रकारिता छोड़कर जनता के लिए काम करेंगे। इसके बाद उनकी राजनीति में आने की अटकलें शुरू हो गई थी। जून महीने में जब अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे तो ईशुदान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपसे जुड़ने के बाद ईशुदान ने कहा कि वह सालों से लोगों के सवाल उठाते रहे हैं लेकिन एक पत्रकार की लक्ष्मण रेखा होती है। एक पत्रकार के रूप में आम लोगों के मुद्दे को उठा सकते हैं लेकिन संविधान के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित नेताओं के पास है। लोगों के कल्याण की शक्ति नेताओं या अधिकारियों के पास ही होती है। 40 साल के ईशुदान गढ़वी ओबीसी वर्ग से आते हैं। गुजरात में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% है। तो वहीं दूसरी तरफ 33 साल के राज्य संयोजक इटालिया हाल ही में अपने पुराने वीडियो की वजह से राष्ट्रीय खबरों में रहे जहां पर उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिसे लेकर NCAA ने समन भेजा था और इटालिया उनके दफ्तर आम समर्थकों के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आपने उस वक्त इस युवा नेता का बचाव भी किया था। इस खबर पर आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।